हेलो बॉयज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अच्छा, आपको पता है ना, मैंने आज से तकरीबन कोई 9-10 साल पहले या 8 साल पहले वेस्पा स्कूटर ख़रीदा था, जिस पे मैं अभी ये ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ। मैं कल बैठा हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि यार, मुझे ना वेस्पा स्कूटर तो मैंने लिया हुआ है, उसको मैं चला भी रहा हूँ, तो मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स भी देख लेने चाहिए कि वो अप टू डेट हैं या नहीं, या क्या सीन है उनका ना। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल ओपन की और मुझे उसके अंदर से ये डॉक्यूमेंट्स वाली कॉपी मिली। ठीक है, अब उस पुराने ज़माने में ये कॉपीज़ होती थी, अब तो कार्ड्स आ गए ना, उस टाइम कॉपीज़ होती थी और ये कॉपीज़ कुछ इस तरह से होती थी, इस तरह से। ठीक है, इसमें सारा डिटेल्स वगैरह और सब कुछ होता है। अच्छा, जब मैं ये कॉपी देख रहा था तो मुझे इस कॉपी के अंदर से एक सरप्राइज़ मिला। ठीक है, और वो सरप्राइज़ था ये आईडी कार्ड की कॉपी। ठीक है, ये आईडी कार्ड की कॉपी उन्हीं अंकल की है जिनसे मैंने आज से 8 साल पहले ये वेस्पा ख़रीदा था। ठीक है, ये उन अंकल की तस्वीर है, अगर आपको नज़र आ रही हो, काफ़ी एजेड थे उस टाइम पे भी। अच्छा, अंकल का नाम है अब्दुल मजीद चौधरी, मर्द, वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम एंड तारीख़ पैदाइश है 14/5/1944। जो सरप्राइज़ की बात थी वो ये थी कि इन अंकल का जो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि इनका मौजूदा पता है, वो बहावलपुर का है और वो मेरे यहाँ से, जहाँ मैं हूँ यहाँ से तकरीबन 14-15 मिनट्स की राइड है। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना हमें जाना चाहिए, अंकल से मिलना चाहिए और अंकल को उनका वेस्पा दिखाना चाहिए कि हमने आपका वेस्पा कैसा बिल्ड किया, चेक करें ना, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए, क्या पता वो हमसे दोबारा मांग लें। तो मगर उन्हें दिखाना लाजमी चाहिए। तो आज का प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ अरमगान की तरफ, अरमगान को पिक कर, तो बल्कि पहुँच गया हूँ अरमगान के घर, अरमगान को पिक करता हूँ, हम लोग जाएंगे वेस्पा पे, उन अंकल को ढूंढेंगे, उन्हें उनका वेस्पा दिखाएंगे और देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा है। इस पे जो मुस्तकिल पता है वो हासिलपुर का है, तो अगर अंकल हमें यहाँ ना मिले, शायद वो घर छोड़ गए हों या कुछ भी, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, तो हम लोग हासिलपुर पर जाएंगे, जो यहाँ से 100 किलोमीटर्स की राइड है, वेस्पे पर ही जाएंगे। ठीक है, तो अरमगान भी आ चुका है, वो तुर्की गया हुआ था, तो वहाँ उसने बड़ा एंजॉय किया है, तो अब उसको जलील करते हैं। ठीक है, वो भी सोच रहा होगा कि मैं किससे दोस्ती करके फंस गया हूँ, मगर फिर आपको पता है शुगल तो यही होता है। तो अभी अरमगान को कॉल करता हूँ, उसे बुलाता हूँ और उससे करते हैं आज का प्लान डिस्कस। अरमगान इज़ हेयर। और अरमगान, कैसा रहा ट्रिप तेरा तुर्की वाला, एंजॉय किया? अच्छा, तो अगर आप इंजॉय करके हैं तो अब आपकी दोबारा इजराला शुरू होने वाली है। ठीक है, सीन ये है कि बस ही मैं वैसे वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मैंने होगा हमारे लिए भी ये एक सरप्राइज़ है कि अंकल का रिएक्शन कैसे होगा, आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है। तो अभी चल के सबसे पहले अंकल को ढूंढते हैं। सो यहाँ है भी कि नहीं, ये भी तो बात है ना। अब देखें, आपका जो मुस्तकिल पता होता है वो अक्सर, वो जो मौजूदा पता होता है वो अक्सर चेंज होता रहता है, आप घर शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ हो जाता है, मगर अंकल को इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे, अंकल तक पहुंचेंगे, यह मिशन बन गया हमारा, जैसे मर्जी ढूंढने। ठीक है, अभी वेस्पा निकालें और चलते हैं एक मजे की राइड के ऊपर। बॉयज स्टे ट्यून्ड, ये एक मैन हंट के ऊपर हम निकल रहे हैं। हाँ, सो बॉयज द मिशन बिगिंस। अच्छा, हो सकता है कि ये व्लॉग एक दिन में ख़त्म ना हो, आज हमें वो ना मिले, तो हो सकता है कल हो, अगले हफ्ते हो, तो आई होप, आई विश कि आज मिल जाए। इसके पीछे ना वो यार, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो पेंट कराना पड़ेगा आगे और पीछे, यार वो कराना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ज़बरदस्त। अच्छा हाँ बॉयज़, यहाँ पे ना एक बात मैंने छोटी सी क्लियर करनी थी कि अगर आपका माइंड है, जैसे मैंने वेस्पा को रिस्टोर किया है और मैंने वेस्पा बनाया है, तो आपका भी माइंड है कि वेस्पा लेके उसको बनाने का, या आप के घर में या आसपास कोई आपका वेस्पा नज़र में है जो आप लेके करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी वर्किंग पूरी करनी, आपने मेरी रेस्टोरेशन को आइडियलाइज़ नहीं करना। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे वेस्पाज हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो ये वेस्पा बनाया, इट्स जस्ट फॉर फन। ठीक है, मतलब अभी भी हम देखें अपना शुगल कर रहे हैं बस। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर फन ना, हमारे पास एक वेस्पा था, मगर पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो
वेस्पास को रिस्टोर करते हैं, जिनको शौक है, जिन्होंने दो दो तीन तीन वेस्पास रखे हुए हैं, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर इतने लोग हैं, मुल्तान में हैं, कराची में कितने लोग होंगे, लाहौर में कितने लोग होंगे, तो आप अपनी वर्किंग पूरी करें, आप लोगों से मिलें और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लें। देखें, मैंने ये वेस्पा बहावलपुर में कोई वेस्पा का मकैनिक, एक ही मकैनिक है और बिल्कुल सिंपल सी उसको उन्होंने रिस्टोर किया और हमने एक पेंट वर्क करवाया उसके ऊपर। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर एक ड्यू था, ये मैंने सोचा था कि मैंने ये बात करनी है क्योंकि किसी को हर्ट ना हो इस बात से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे वेस्पा के कलेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ज़रूर सर्च करें, वेस्पास के इतने अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, वेस्पास की इतनी अच्छी अच्छी वो मीटअप्स होती हैं पिंडी इस्लामाबाद लाहौर के अंदर, तो आप वो भी देखें और उन लोगों से मशवरा भी करें। और सिर्फ ये मेरी वाली रिजर्वेशन माइंड में मत रखिएगा। अच्छा, मैं आप जैसे चल रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगा कि मेरी कॉस्ट क्या आई थी वेस्पा को रिस्टोर करने के ऊपर। मैंने ये वेस्पा 2013 के अंदर 12,000 रुपीस का ख़रीदा था, ठीक है। और मेरा जो इस टाइम 2021 में जो मेरी इस पे कॉस्ट आई थी, वो सब छोटी छोटी चीज़ें मिला के मेरी 46,000 कॉस्ट आई थी, ठीक है। तो अक्सर लोग, वो मैंने एक थंबनेल बनाया था ना, 85 लाख गोल्डविंग वर्सेस 1 लाख वेस्पा, तो अक्सर लोग पूछ रहे थे कि 1 लाख का वेस्पा कैसे हो गया। दैट वॉज जस्ट फॉर द थंबनेल, कि वो अच्छा लगे 85 लाख वर्सेज 1 लाख ना। मैं 85 लाख वर्सेज 50,000 लिख देता तो मतलब वो 56,000 तो कोई तुक नहीं बनता था, तो इसलिए मैंने लिखा था। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि 1 लाख का कभी भी वेस्पा कॉस्ट नहीं करता। मेरी 46,000 भावलपुर में कॉस्ट आई थी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में 12,000 का तो सिर्फ इस पे पेंट हुआ था, बाकी लाइट्स आई, हर चीज़ चेंज हुई ना, ग्रिप्स चेंज हुई, ये छोटे मोटे बटन, फ्रंट बैक लाइट हो गई, ये बॉक्स लगा, पीछे स्टैंड लगा, तो उसके ऊपर फिर चीज़ें मिल मिला के इतना खर्चा हो गया। तो शायद आप बड़े शहर से कराएंगे, अच्छी चीज़ें लगेंगी, तो शायद इससे ज़्यादा भी हो जाए कॉस्ट। तो और शायद अब आपको अब वेस्पा भी 12,000 का नहीं मिलेगा। तो आप अपनी वर्किंग पूरी रखें, और अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फोरम्स वेस्पा के और बहुत अच्छे अच्छे बिल्ड करने वाले लोग मिलेंगे, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें जी। ये जिधर अंकल का घर है, इस जगह का नाम है हबीब कॉलोनी। मुझे तो इतना यहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह का नहीं आइडिया, मगर मुझे एक दोस्त ने बताया था कि किस जगह पे है, किस कॉलोनी के पास है, गुलबर्ग रोड है बहावलपुर में, उसके पास ही ये कॉलोनी है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तो फिर हम अंकल के घर पहुँचेंगे। हाँ, ये लिखा हुआ है हबीब कॉलोनी। फिर आप किसी भी लाइन में घुस जाएं, नहीं मेरे ख्याल में वो आईडी कार्ड पे ना गली नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ, ये तो गली डेड एंड आ गया। छोटे भाई, मकान नंबर 12 कौन सा है? 12 मकान नंबर 12 गली नंबर 4 मकान नंबर 12 कोई और गली नंबर 4 भी है यहाँ? अच्छा, ये गली नंबर 3 में पहला मकान है, वो तो 8A है। 8 8A. चले मैं देख लेता हूँ, अगर 8 उधर है तो फिर 12 भी उधर ही होगा। दुकान नंबर नहीं, मैंने पूछा मकान नंबर 12। हाँ, आप कौन से मकान में रहते हो? सबसे उसका नंबर क्या है, मतलब घर का नंबर क्या है? कंट्रोल उदय, घर का नंबर नहीं होता कि ये इतने नंबर का? आगे वाले में लगे, वो सामने वाले। अच्छा, इधर नंबर नहीं लगे हुए? किक मार भाई। अच्छा, पहली दफा देखा कि ये खुद कराया है? वो तो हम करे, मेरे मामू के पास किया। आपके मामू का नाम अब्दुल मजीद तो नहीं? वो नहीं। ओके बाय। नहीं, कैमरा
नहीं नहीं मैंने प्रैंक क्यों करना है तुम लोगों के साथ? ले मैंने मैंने गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अब्दुल मजीद साहब से मिलना है, इसमें प्रैंक की क्या बात है? अब्दुल मजीद वो बहुत बूढ़े से अंकल हैं एक, बाकी आपको पता है झूठ तो नहीं बोल रहे, प्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? इस गली में अगली गली में ये क्या चीज, क्या मतलब स्कूटर है और क्या? यार तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा? आ जाओ खड़े हो जाओ, हाँ सीरियसली आ जाओ यार, वो मस्जिद तो दिखा दो कौन सी है, आ जाओ आ जाओ। ओए यही तो नहीं अब्दुल मजीद चौधरी साहब? हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अब्दुल मजीद चौधरी। एक सेकेंड वो दिखाएं कॉपी, ये मेरे, ये मुझे बताएंगे इनको आप जानते हैं? इस गली के अंदर मकान नंबर कौन से हैं? मकान नंबर कोई भी नहीं है, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं है? मुझे मकान नंबर 12 में जाना है, वो कहाँ होगा? अंकल ने तो मिलना नहीं है, ताज भाई से मिला थे जरा। हाँ खोल दे, कुत्ता छुता होगा तो पहले तुझे पड़ेगा। महमूद भाई हैं? पता करो। उसने बेस्पा देख के ना इनकार ही कर दिया है। मैं पता करके बताता हूँ। ताज भाई से तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, उनके बटलर ने हमें वेस्पा पे देखते ही इनकार कर दिया कि यहाँ कोई ताज रहता ही नहीं है। करेंगे क्या, अब हम एक ट्राई करेंगे अंकल को दोबारा ढूंढने की, लास्ट ट्राई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई करेंगे, और अगर हमें अंकल अब नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जो मकान नंबर जो पहले होते थे उस तरह के नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया है, मकान नंबर शुरू ही 70-80 से हो रहे हैं और हमने मकान नंबर 12 ढूंढना था, तो अब हम करेंगे ये कि अब हम जाएंगे अंकल के गांव हासलपुर, दैट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे, वहाँ जाके हम अंकल को ढूंढेंगे और इंशाल्लाह उन्हें ये वेस्पा दिखाएंगे। तो ये जो मैन हंट हमारी शुरू हुई है, ये अंकल हंट जो हमारा शुरू हुआ है, इसको हमने कर दिया है अब इनको, इसको अब हमने कर दिया है 2 एपिसोड्स में। पहली एपिसोड तो आज की हो गई, अंकल हमें नहीं मिल रहे, तो अब जो दूसरी एपिसोड है वो हमारी होगी टुवर्ड्स हासलपुर, वेस्पा पे जाएंगे, अंकल को ढूंढेंगे इंशाल्लाह और उनको ये वेस्पा दिखाएंगे। इधर मकान नंबर क्या है, ये क्या है मकान नंबर? भैया जी ये मकान नंबर कौन सा है? ये तो हबीब कॉलोनी है, आप किस से? हबीब कॉलोनी मकान नंबर 12। आप ऐसा करें ये बाहर प्रॉपर्टी लेवल बैठे ना, इधर बैठे हुए अच्छा। अच्छा मस्जिद वाली गली में पहले जी जी रहते थे चौधरी वली। अच्छा कोई रिश्तेदार ना मस्जिद वाली गली में? ये सेंटर वाली गली है। हां हां इसमें आगे जाके ना ठीक है वली एक रहा करता था इस गली में हम पहले नहीं आए ना। स्ट्रीट नंबर 5 मकान नंबर कोई भी नहीं लिखता यार। रहमत कॉलोनी है ये, हबीब कॉलोनी नहीं है ये? अच्छा 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 होपलेस नहीं होना कभी भी लाइफ में।
तो हम होपलेस नहीं होंगे, अंकल को ढूंढेंगे इंशाल्लाह एक दिन। तो आप लोग इंतज़ार करें इंशाल्लाह इसी व्लॉग के एपिसोड 2 का। अंकल हमें यहाँ नहीं मिले तो क्या हुआ, मुस्तकिल पता भी तो है हमारे पास, तो वहाँ ढूंढेंगे अंकल को। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2 ऑफ द अंकल हंट 2021। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।